ड्रेक इज द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑफ लास्ट डेकेड, और शायद इस डेकेड के भी मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ड्रेक बन जाए। ड्रेक इज पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, और शायद ही कोई होगा जो हिप हॉप सुनता हो, हिप हॉप म्यूजिक सुनता हो, या फिर सिर्फ म्यूजिक सुनता हो और ड्रेक को नहीं जानता हो। मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड है ड्रेक के पास, एंड ही हैज मिलियंस ऑफ डॉलर। सो ऐसा क्या हुआ और ड्रेक ने ऐसा क्या किया कि एक बंदा जिसे एक टाइम पे कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ड्रेक की म्यूजिक सुनती है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ ड्रेक बिकेम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ हमें कुछ दिन पहले ही ड्रेक का एल्बम देखने को मिला है, नया एल्बम देखने को मिला है, तो हम उस एल्बम के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने वो एल्बम चेक किया, मेरी क्या रिव्यू है उस एल्बम को लेके, तुम्हें वो भी जानने को मिल जाएगी। सो अगर हम बिलबोर्ड की हिस्ट्री निकाल के देखें ना, तो सबसे ज्यादा जिस आर्टिस्ट के ट्रैक बिलबोर्ड पे चार्ट हुए हैं वो है ड्रेक। ड्रेक हैज मोर देन 209 सिंगल्स जो कि बिलबोर्ड पे चार्ट हुए हैं, बट स्टिल इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग, इतने ज्यादा नाम होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रेक को हेट करते हैं और ड्रेक की म्यूजिक को हेट किया जाता है। कुछ लोग का ये बोलना है ड्रेक अपने आप को रैपर बुलाते हैं, बट वो एक्चुअली रैपर नहीं है, ही इज अ पॉप आर्टिस्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम टी शर्ट बाय करना चाहते हो, इंटरनेशनल हिप हॉप टी शर्ट, फॉर एग्जाम्पल ड्रेक, टूपाक, बिगी, एमिनम, तुम्हें टी शर्ट देखने को मिल जाएंगे साइड चेन में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट, अभी भी मैंने पहन रखा है, साइड चेन का ही है, जाओ और ग्राब कर। तो अगर हम बात करें ड्रेक की जर्नी की, ड्रेक की जो जर्नी थी इंडस्ट्री में वो 2000 से ही स्टार्ट हो गई थी। 2001 में पहली बार हमें ड्रेक एक टीवी सीरीज में एक्ट करते हुए नजर आए थे। ड्रेक के जो फादर थे वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे और ड्रेक की मदर एक जूइश कैनेडियन थी, और कहीं ना कहीं ये ड्रेक का जो मिक्स्ड रेस है ना, ये भी ड्रेक के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हुआ है, क्योंकि इस वजह से ड्रेक इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करते हैं अपीयरेंस वाइज एंड इवन नेचर वाइज। जहाँ पे बहुत सारे नए आर्टिस्ट के लिए करंट डिजिटल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग सर्विस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, और ऐसा लगता है कि शायद ही कोई आर्टिस्ट, मतलब 100 में से एक दो आर्टिस्ट ही है जो ग्लो अप हो पाते हैं, उसमें से ड्रेक ऐसे आर्टिस्ट है ना जिन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल म्यूजिक को एक खेल सा बना दिया है। सो ड्रेक जब लिल वेन के यंग मनी एंटरटेनमेंट से साइंड हुए और 2010 में उन्होंने अपना एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था थैंक मी लेटर। ड्रेक को एग्जैक्टली पता है ना कि करंट की जो ऑडियंस है, जो जेंजीज जनरेशन है मोस्टली, वो कौन से गाने सुनते हैं, और ड्रेक मोस्टली उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करते हैं थ्रू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और इसी रीजन की वजह से ड्रेक स्टैंड आउट करते हैं, उनकी म्यूजिक बाकी रैपर्स से डिफरेंट होती है एंड इवन सुपर हिट भी होती है। ड्रेक एक के बाद एक नॉन स्टॉप हिट ट्रैक दे रहे हैं, चाहे बात कर लो उनके सिंगल्स की, चाहे उनके खुद के एल्बम की, या फिर उनके फीचर्स की, अगर ड्रेक उस ट्रैक में है तो ट्रैक हिट होता है। ड्रेक का एल्बम मोर लाइफ, ये एल्बम सिर्फ 24 घंटे के अंदर 90 मिलियन स्ट्रीम लेके आया था। सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम ज्यादा हिट ट्रैक दोगे, अगर तुम ज्यादा हिट सिंगल दोगे, हिट एल्बम दोगे, तुम्हारी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग बिग मनी। ओके, सो ये तो बात हो गई कैसे ड्रेक इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, कैसे स्ट्रीमिंग को रूल कर रहे हैं, पर ड्रेक ऐसे आर्टिस्ट भी है ना जो बहुत सारे बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारे पंगे में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो बीफ हिप हॉप का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और बीफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट के, दो आर्टिस्ट के प्रॉब्लम की वजह से होता है, कहीं ना कहीं बीफ की वजह से आर्टिस्ट को फायदा भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर हम ड्रेक के केस में बात करें ना, तो जब भी ड्रेक किसी भी आर्टिस्ट के साथ बीफ में इन्वॉल्व करते हैं वो हर जगह न्यूज में आते हैं, ड्रेक को हेडलाइंस में देखा जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी म्यूजिक को ही इस वजह से हेल्प होता है। सो इन ब्रीफ, अगर इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है ना तो बीफ करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा अगर तुम होते हो इन्वॉल्व, मतलब ऐसा नहीं कि बीफ करके बिना की आर्टिस्ट बड़े नहीं होते हैं, बट अगर तुम बीफ में इन्वॉल्व होते हो ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे करियर के लिए वो अच्छा ही है। फॉर एग्जाम्पल 2012 में हमें ड्रेक की बीफ क्रिस ब्राउन के साथ देखने को मिली थी, एंड इवन जून 2012 में ये दोनों फिजिकल फाइट तक में इन्वॉल्व हुए थे, जहां पे ड्रेक के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि न्यूयॉर्क में जब ये दोनों मिले थे, ड्रेक ने क्रिस ब्राउन और उनकी टीम पे, उनके बंदों पे ग्लास के बॉटल फेंके थे। इसके बारे में इवन क्रिस ब्राउन ने ट्वीट किया, एंड इवन एक ट्रैक भी रिलीज किया जहां पे उन्होंने इस इंसिडेंट को मेंशन किया,
एंड इवन ड्रेक को डिस किया, बट ड्रेक के साइड से हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। इसके बाद इन दोनों की डिस्प्यूट सॉल्व हो गई और 2014 में हमें दोनों साथ में एक म्यूजिक वीडियो, मतलब एक कॉमिक स्किट वीडियो में देखने को मिले। इसके सिर्फ दो साल के बाद 2014 में हमें ड्रेक और पीडीडी की बीफ देखने को मिली, और लोगों का ये बोलना है ना कि ये बीफ अगेन फिजिकल फाइट में कन्वर्ट हो गई थी। डीडी ने एक नाइट क्लब के बाहर ड्रेक के ऊपर पंच चलाया था, ड्रेक को मतलब पंच से मारा था। पीडीडी का ये बोलना था कि ड्रेक ने पीडीडी की एक बीट चोरी की है और चोरी की एलिगेशन ड्रेक पे अगेन बहुत टाइम से लगती हुई आ रही है। ये जो अल्टरकेशन था वो माइनर था, बट स्टिल ड्रेक को इसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अगेन इसी साल 2014 में हमें ड्रेक के डिस्प्यूट टाइगा के साथ भी देखने को मिली थी। सो टाइगा ने अपने एक इंटरव्यू में ड्रेक के बारे में कुछ बोला था, उल्टा सीधा नेगेटिव कुछ भी बोला था, ठीक है। इसके बाद ड्रेक ने इसका रिप्लाई अपने एक ट्रैक में किया जहां पर उन्होंने टाइगा को डिस किया। ट्रैक का नाम था सिक्स गॉड, और एक और ट्रैक जिसका नाम था 6 PM इन न्यूयॉर्क, उसमें भी टाइगा को मेंशन करके उन्हें डिस किया गया। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टाइगा भी यंग मनी एंटरटेनमेंट से साइन थे, जिसे ड्रेक साइन थे, और इसके बाद टाइगा को यंग मनी एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ा, और इसके पीछे ड्रेक का हाथ हो सकता है। इसके बाद 2015 में हमें ड्रेक की बहुत ही पॉपुलर बीफ मिकमिल के साथ देखने को मिले, और इस बीफ के बारे में मैंने पास में भी बात किया है कि कैसे मिकमिल ने रिवील किया था कि ड्रेक घोस्ट राइटर यूज करते हैं अपने ट्रैक के लिए। और ये जो घोस्ट राइटर था ये और कोई नहीं था, इस बंदे का नाम था क्विंटन मिलर, और इस बंदे ने ड्रेक के साथ मल्टीपल सॉन्ग में काम किया है और ड्रेक के इवन लिरिक्स लिखे हैं। मिल चाहते थे कि इस बंदे का नाम आगे आए और लोगों को पता चले कि ड्रेक अपने गाने खुद नहीं लिखते हैं। इस बीफ में हमें मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट देखने को मिले, और ये बीफ तभी जाके खत्म हुआ जब मिकमिल को जेल जाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम अदर reasons। बट अगेन ये जो बीफ है बाद में खत्म हो गई, एंड इवन ड्रेक ने भी फ्री मिकमिल कैंपेन को सपोर्ट किया जब वो जेल के अंदर थे। इसके बाद सितंबर 2016 में ड्रेक की बीफ हमें किड क्यूडी के साथ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तुम्हें ड्रेक और पुशा टी के बीफ के बारे में ही पता होगा, जहां पे हमें मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट भी देखने को मिले थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ड्रेक की बीफ कान्ये वेस्ट के साथ भी देखने को मिली थी। इसके साथ साथ ड्रेक DMX, Kendrick Lamar, Common, Weeknd, XXXTentacion और XXX और Drake की क्या पंगा था, अगेन मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, और भी मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ रह चुकी है पास्ट में। तो तुम समझ सकते हो, और कोई बंदा इतने सारे बीफ में इन्वॉल्व है तो वो कभी हेडलाइन से जाएगा नहीं, वो इरिलेवेंट कभी होगा ही नहीं, हमेशा ही लोग उनके बारे में बात कर रहे होंगे, उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और Drake के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, हर एक साल दो साल के बाद ड्रेक का नाम किसी ना किसी बीफ में, किसी ना किसी डिस्प्यूट में जोड़ा ही जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी PR के लिए ये बहुत अच्छा है और ड्रेक के लिए बेनिफिशियल। इसके साथ साथ एक और चीज भी मैंने नोटिस किया है ड्रेक के रीसेंट इमेज में। ड्रेक पहले बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिया करते थे, वो बहुत ज्यादा दिखते थे हमें, बट रिसेंटली वो थोड़े से लोकी हो गए हैं, उनके इंटरव्यूज आने कम हो गए हैं, और उनका एक डिफरेंट पर्सोना भी क्रिएट हो रहा है लोगों के अंदर। ओके, बात हो गई बीफ की, अब हम आ जाते हैं कोलैबोरेशंस की। सो कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें ना, ड्रेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन आर्टिस्ट, जिन्होंने मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन कर रखा है, और कुछ बड़े कोलैबोरेशन ट्रैक, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन ट्रैक इन हिप हॉप हिस्ट्री भी हमें ड्रेक के साइड से देखने को मिले हैं। ड्रेक ने आर्टिस्ट जैसे कि जेजी और कान्ये वेस्ट के साथ काम कर रखा है। इसके साथ साथ ड्रेक यंगर आर्टिस्ट के साथ भी काम करने से डरते नहीं है, और अगर कोई यंगर टैलेंट है जो अच्छा काम कर रहा है तो ड्रेक का कोलैबोरेशन हमें उनके साथ भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेक का फीचर हमें ट्रैविस स्कॉट के साथ देखने को मिला था, दैट सॉन्ग इज रियली बिग। उसके साथ साथ ड्रेक और केंड्रिक लमार भी हमें साथ में देखने को मिले थे इन अ कोलैबोरेशन ट्रैक, और ये कोलैबोरेशन ड्रेक ने तब किया था जब ड्रेक तो अच्छे खासे पॉपुलर हो गए थे, बट ये दोनों आर्टिस्ट उतने पॉपुलर नहीं हुए थे। सो ड्रेक का ये जो तरीका है कोलैबोरेशन का, ये ड्रेक के लिए हमेशा से काम करता आया है। ड्रेक हमेशा से अपने आप को न्यू फैंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फ्रेश ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इस वजह से भी ड्रेक रिलेवेंट बने हुए हैं, और इंडस्ट्री में ड्रेक को सब जानते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट में, कि ड्रेक जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड ही डजंट बिलोंग टू हिप हॉप। सो ऐसा नहीं है कि ड्रेक ने सिर्फ हमें पॉप म्यूजिक ही दिए हैं, या फिर ड्रेक के साइड से हमें क्वालिटी पॉप ट्रैक ही देखने को मिले हैं। ड्रेक ने पास्ट में कुछ अच्छे हिप हॉप ट्रैक भी ड्रॉप किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक केयर एंड मार्वन्स रूम आर द ट्रैक जो अभी तक सुना जाता है, एंड दीज आर रियली गुड ट्रैक।
सो एक रीजन जो ड्रेक को इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनाता है वो है उनका एक्सपेरिमेंट. वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक जॉनरा में बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहते हैं. अगर तुम देखो ना तो ड्रेक के एल्बम में, फॉर एग्जांपल अगर तुम 2015 के एल्बम देखो, उनके बाद के एल्बम देखो, या फिर अगर तुम ड्रेक के रिसेंट एल्बम भी देखो ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत सारे जॉनराज, बहुत सारे साउंड के साथ ड्रेक खेलते हुए नजर आ जाएंगे. और इसी रीजन की वजह से वो हर कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं और इतनी बड़ी फैन और लिसनर बेस उन्होंने गैदर करके रखा है. ड्रेक दोनों काम कर सकते हैं, ही कैन सिंग एंड रैप, एंड दैट्स व्हाई ड्रेक प्लेड विद द रूल. क्या रूल होने चाहिए रैपर बनने के लिए, और इसी वजह से ये जो डिस्प्यूट है, ये जो डिबेट है वो चलता है कि इज ड्रेक अ रैपर और नॉट. ऐसा नहीं है कि मेलोडिक रैप या फिर पॉप रैप ड्रेक के पहले किसी ने नहीं किया है. आर्टिस्ट जैसे कि कान्ये वेस्ट, टी पेन एंड इवन लिल वेन ने मेलोडिक रैप या फिर पॉप रैप किया है, बट ड्रेक ऐसे आर्टिस्ट है जो पॉप रैप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया. ओके, अब हम म्यूजिक से बाहर निकलते हैं. ड्रेक का इन्फ्लुएंस सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, ठीक है. ड्रेक एक ऐसे आर्टिस्ट है जो तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे वो कोई कोलैबोरेशन हो. फॉर एग्जांपल ड्रेक की कोलैबोरेशन नाइकी के साथ है, मल्टीपल ब्रांड के साथ है, ठीक है. ड्रेक तुम्हें म्यूजिक के अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें करते हुए नजर आ जाएंगे, और इसकी वजह से ड्रेक ने अपना एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है ना, जो ड्रेक को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टार, ग्लोबल आइकन बनाता है. ड्रेक ने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उनके मल्टीपल और भी बिजनेसेस है, जिसकी वजह से ड्रेक ने अपना एक एम्पायर क्रिएट किया है. और इसके साथ साथ ड्रेक जो है और भी बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स एंड इवन इन फिल्म प्रोडक्शन. सो सिर्फ म्यूजिक नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ड्रेक हमेशा ही दिखते रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज अ ग्लोबल स्टार. चाहे लोग उन्हें जितना भी हेट कर ले, ड्रेक को तुम कभी भी इरेलेवेंट नहीं कर सकते हो सीन से. ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे ड्रेक एक छोटे से आर्टिस्ट से इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए, कैसे इनका ग्लोबली इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं ड्रेक के रिसेंट रिलीज एल्बम के ऊपर, जिसका नाम है फॉर ऑल द डॉग्स. सबसे पहली चीज, अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो ड्रेक के जो कवर आर्ट होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं. अगर तुम ड्रेक के पिछले कुछ एल्बम के कवर आर्ट निकाल के देख लो, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है. मतलब ऐसा आइडिया कहां से आता है ड्रेक के पास, वो ड्रेक ही जाने. अगर तुम ये कवर आर्ट देखो ना, तो ये कवर आर्ट ड्रेक के बेटे ने ड्रॉ किया है, और इसके पहले भी ऐसे ऐसे कवर आर्ट आए हैं जिसके बहुत ही ज्यादा हिडन मीनिंग है और देखने में बहुत ही अजीबोगरीब लगते हैं. सो अब हम आ जाते हैं ड्रेक के इस एल्बम में. सो इस एल्बम में हमें ड्रेक के साइड से टोटल 23 सॉन्ग्स देखने को मिले हैं, और कुछ बड़े कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिले हैं इस एल्बम में. आर्टिस्ट जैसे कि जे कोल, बैड बनी, 21 सैवेज, लिल याची हमें इस एल्बम में देखने को मिले हैं. बट इस एल्बम को लेके बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, और मोस्टली जितने मैंने रिव्यूज चेक किया, जितना मैंने लोगों को देखा रिव्यू करते हुए एल्बम को, बहुत मतलब ज्यादातर केसेस में लोगों को एल्बम पसंद नहीं आ रहा है. अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने ये एल्बम एक बार पूरा सुना है, और 3-4 गाने ही है जो मुझे पसंद आए, जिनको मैं लूप पे सुन सकता हूं. उसके अलावा मुझे बाकी ट्रैक्स जो है ना, उनको मैं शायद ही दोबारा सुनने वाला हूँ. सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, 23 गाने, और बहुत ही पुअरली मेड प्रोजेक्ट लगा ये मेरे को. ड्रेक ने पास्ट में कुछ बहुत ही अच्छे एल्बम दिए हैं जो अभी तक लोग सुनते हैं, बट कुछ पास्ट कुछ एल्बम ड्रेक के उतने ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है. लास्ट एल्बम तो चलो फिर भी ठीक था, जो कोलैबोरेशन एल्बम था, बट उसके पहले जो एल्बम आया था, ठीक है, और ये एल्बम बेसिकली क्या ही बोलूंगा. For me this album was really average, ठीक है. मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ड्रेक सेम साउंड रिपीट कर रहे हैं, कुछ मुझे नया नहीं लगा सुनने में. और अभी तक ये एल्बम को मैंने एक ही बार सुना है, हो सकता है एल्बम ग्रो करे मेरे अंदर, बट मुझे नहीं लगता है. दोबारा मैं सुनने भी जा रहा हूँ एक दो ट्रैक. आई थिंक कोल का जो कोलैबोरेशन ट्रैक था वो मैं सुनूंगा, और एक ट्रैक 8 PM इन चार्लोट वो मुझे पसंद आया था, तो शायद वो ट्रैक मैं सुनूं दोबारा. बट मुझे नहीं लगता है मैं इस एल्बम पे दोबारा जाने वाला हूं. तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये एल्बम कैसा लगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और क्या ये एल्बम एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा है या फिर नहीं. बाकी अगर तुम चाहो तो इस एल्बम के ऊपर मैं फुल रिव्यू भी बना सकता हूं. अभी तो मैंने एक बार ही सुना है, तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा एल्बम के बारे में, ठीक है. सो तुम लोग कमेंट कर बताना तुम लोगों ने चेक किया एल्बम, तुम लोगों को कैसा लगा. बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन ड्रेक. एल्बम भले ही खराब हो, बट ऐसा डेफिनेटली होगा, एक दो ट्रैक चार्ट पे अगेन जाएंगे, अगेन रील्स पे बजेंगे, वायरल हो जाएंगे. ड्रेक का यही करना है, ड्रेक यही करते हुए आ रहे हैं, और फिर से ऐसा ही होगा, और ड्रेक रिलेवेंट रहेंगे इंडस्ट्री में, ठीक है. ड्रेक को कोई नहीं भगा सकता है.
सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।